दोस्तों, ये हीरो की 100 cc बाइक का ये इंजन है और देख सकते हैं कि ये एकदम डायग्राम की तरह ये दिया हुआ है। सारा चीज़ बाहर से ही दिख रहा है, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इंजन में क्या क्या शो किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्लच प्लेट, क्लच का पूरा असेंबल जो हाउजिंग के साथ देख पा रहे हैं, और ये बैलेंसर और GPD और मेन करेंक, जो देख सकते हैं करेंक के साथ पिस्टन, पिस्टन के साथ रिंग भी लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं स्पार्क प्लग, जो स्पार्क होता है, और आगे कंप्रेसर होती है और बाइक स्टार्ट रहती है हमारी। यहाँ पे दो बल्ब ऊपर, एक बल्ब ऊपर देख सकते हैं और एक बल्ब नीचे होता है, और ये कैम। तो इस तरीके से जितना भी हम लोग बाइक का इंजन बनाते हैं, फिट करते हैं, जितने भी पार्ट्स इसके अंदर एक्सेसरीज लगा हुआ होता है, उसी तरीके से इसके अंदर सजा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे आगे से आपको रोकर दिखाई देगा, और इस साइड से अगर देखेंगे तो आपको टाइमिंग चेन का पूरा किट जो देख रहे हैं, इसके साथ ही रोलर, स्पॉकेट, इधर मैग्नेट है, मैग्नेट कॉइल है, इधर सेल्फ का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। ये देखिए, ये सेल्फ का सिस्टम जो कि आर्मेचर के साथ इसमें लगा हुआ है, इधर मैग्नेट कॉइल है, वायरिंग के साथ इसमें जुड़ा हुआ है, इधर गियर बॉक्स है, इस साइड में देख सकते हैं, इधर से आपको गियर बॉक्स दिखाई देगा। ये देखिए पूरा, ये कोई प्लास्टिक आइटम नहीं है, पूरा मेटल जो कि इंजन पूरा होता है, असेंबल वही चीज़ है। ये बस चैम्बर को कट किया गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इंजन के अंदर किस तरीके से पार्ट्स लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कि आप लोग जानते हैं, हीरो की 100 cc में स्प्लेंडर हो गया, पैशन हो गया, HF Deluxe हो गया, CD 100 SS हो गया, उन सब बाइकों में यही इंजन लग के आती है। ठीक है, हम लोग जो आपको दिखाते हैं इंजन फिट करते हुए, तो यही इंजन होता है जो कि इस तरीके से इसका बाहर से दिखता है, अंदर से। खैर, हम लोग तो अंदर के पार्ट को नहीं दिखा सकते हैं, बस फिट करते हुए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, जितना भी बड़ा शोरूम है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है हीरो का, हर जगह आपको इस तरह का एक इंजन रखा हुआ मिलेगा, हीरो की 100 cc बाइक, जो कि ज़्यादातर 100 cc के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे कार्बेटर लगता है, जो कि इस जगह से पेट्रोल इन होता है, ये इनलेट बल्ब हो गया, कार्बेटर के द्वारा पेट्रोल इन हुआ, और इसके साथ ही पिस्टन 4 मरतबा जो है कंप्रेसर बनाता है, 4 मरतबा पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और ये फिर एग्जॉस्ट के द्वारा नीचे, जो देख रही है साइलेंसर है, एग्जॉस्ट के द्वारा एग्जॉस्ट को निकाला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये चैम्बर में ये जो बना हुआ येलो लाइन जो बना हुआ, ये इंजन ऑयल को हेड तक पहुँचाने के लिए ये सिस्टम दिया गया है। देखिए, ये जो देख रहे हैं क्लच, क्लच साइड में ये बैलेंसर, यहाँ से ऑयल ऊपर की ओर, ये सॉरी, वो जो अंदर देख रहे हैं वो ऑयल पंप है, वहाँ से ऑयल इधर से ट्रांसफ़र होता है, ये क्रैंक में, थोड़ा ऑयल जाता है, और वहीं से फिर हेड तक ऑयल पहुँचता है। ठीक है, ये देखिए हेड तक जो ऑयल पहुँचता है, नीचे से एक रड जो देख रहे हैं, ये वाला रड, इसी रड से होते हुए ऑयल हेड तक पहुँचता है। तो इस तरीके से ऑयल पंप भी इसका काम होता है गाइस। ठीक है, अभी तो खैर कंपनी ने VS6 में ऑयल पंप का सिस्टम को चेंज कर दिया, ठीक है, वो अलग कर दिया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।